हे गाइस, वेलकम टू मैंगो मैन रिव्यूज। गाइस, आदि पुरुष का टी सीरीज के ऊपर टीजर आज आ गया है फाइनली। गाइस, सबसे पहली बात बता दूं, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था आदि पुरुष के लिए एंड इसका फर्स्ट लुक ही काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था, बहुत मजेदार लग रहा था। टीजर कैसा है वो आगे बताऊंगा। टीजर ने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके निराश किया, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली, मतलब जितना बड़ा उम्मीद था उससे भी बड़ा निराश कर दिया इस टीजर ने। यार गाइस, यार सबसे पहली बात, यार अभी रिसेंट टाइम में, अभी जो अक्टूबर महीना चल रहा है, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई बड़ी फिल्म नहीं आने वाली है, बहुत बड़ी फिल्म, एकदम लार्जर देन लाइफ फिल्म नहीं आने वाली है। एक आदि पुरुष है, उसके बाद पठान था। जब टीजर शुरू हुआ, अच्छा लगते 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 अचानक शॉक मिला कि गाइस बहुत सारा सीन्स एकदम कार्टून की तरह लग रहा है। मतलब यकीन नहीं हुआ कि मैं आदि पुरुष का टीजर देख रहा हूं। मतलब ऐसा कैसे, मतलब अब मैं पीछे बैकग्राउंड में भी डालूंगा, फोटो वीडियोस डालूंगा, आप देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है गाइस, ये आदि पुरुष, मतलब इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है ना, गुस्सा भी एक आ रहा है। यार ये बॉलीवुड वाले कबारा कर ही देते हैं इतनी टॉप नॉच कहानी की। मतलब क्या मैं बोलूं, एक्सप्रेशन नहीं है, शब्द नहीं है कि ऐसा कार्टूनिश, इतना कार्टून के जैसा लग रहा है पूरा मूवी। लग रहा है मूवी तो लग ही नहीं रही है, लग रहा है कोई कार्टून हम लोग देख रहे हैं। यार कैसे बना सकते हैं, ओम जी भाई, आप ऐसा कैसा फिल्म बना सकते हो, कहाँ गया इतने बड़ा 500 करोड़ बजट, कहीं कहीं दिख रहा है पे मेरे को विकिपीडिया पे 500 करोड़ दिख रहा है, कह रहे हैं विकिपीडिया वाला कि इंडिया की सबसे बड़ी महंगी फिल्म बनने वाली है, और ये ऐसा VFX, मतलब पूरा कार्टून के जैसा दिख रहा है। गाइस टीजर ने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके निराश कर दिया है। पता नहीं मूवी में सेम VFX होगा या कैसा होगा, वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी ट्रेलर आएगा, उसके बाद फिल्म आएगा, हो सकता है शायद मूवी में ये रिव्यू सुन के कहीं VFX पे बहुत, ये रिव्यू तो पता नहीं सुन पाएंगे कि नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों का मुझे डेफिनेटली मालूम है ये VFX को लेकर शिकायत होगी, तो शायद टीम, इतनी बड़ी टीम है, उसको शायद सही कर दे VFX को यार। लेकिन कहानी पे तो यार बात ही नहीं करना चाहिए, कहानी तो खुद सर्वश्रेष्ठ कहानी है उसकी, कहानी का तो आगे कुछ भी नहीं, इस दुनिया की कोई कहानी नहीं है कहानी के आगे, उसको हटा देते हैं। बट VFX मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके निराश कर दिया, मतलब मुझे मेरे आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, और अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो विजुअलाइज हो रहा है मुझे वो सीन सब, यार कार्टून के जैसा, पूरा कार्टून के जैसा सीन फील हो रहा था मुझको। ये है मेरा छोटा सा एक रिव्यू आदि पुरुष टीजर के बारे में। अगर आपको टीजर अच्छा लगा है और क्या क्या खराबियां लगी आदि पुरुष के, गाइज बहुत जोर शोर से बोलना, मुझे मेरा एक्सपीरियंस खराब चाहिए ही नहीं आदि पुरुष में। आदि पुरुष में एक्सपीरियंस खराब हुआ तो मैं मूवी देखना छोड़ दूंगा, पागल हो जाऊंगा, बोले ऐसा यार आदि पुरुष से इतना उम्मीद यार, और एक्सपीरियंस खराब मत करना भाई। आदि पुरुष का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ सब आदमी भाई ट्विटर पर टैग करो बैड VFX को इंप्रूव करो, तो इंप्रूव करने के लिए शायद हमें बोलना पड़ेगा बहुत तेजी से, तब जाके मूवी में शायद VFX को इंप्रूव कर सके और हम लोग ओरिजिनल VFX को फील कर पाए। गाइज ये था मेरा छोटा सा एक रिव्यू आदि पुरुष के टीजर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइज सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना मेरी बात से आप सहमत हो या नहीं हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।